जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर महीने एक अमावस्या आती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि जब अमावस्या सोमवार के दिन हो, और जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तब उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हर अमावस्या के दिन स्नान और दान जरूर करना चाहिए, लेकिन सोमवती अमावस्या बहुत ही किस्मत से और बहुत ही दुर्लभ संयोग से पड़ती है, इसलिए इस दिन खासकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो गाय का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन आज के दिन कराना चाहिए और गरीबों की मदद आज के दिन जरूर करनी चाहिए। पितरों की शांति के लिए अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ चंद्र देवता का भी दिन होता है, और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में स्थित रहते हैं, इसीलिए यह अमावस्या बहुत ही विशेष पुण्यदायी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी भी कोई प्रार्थना है, कोई कामना है, तो आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, साथ ही अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा करके उनसे मनोकामना प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पता है कि इस बार चैत्र महीने में जो अमावस्या पड़ रही है उसे लेकर बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होंगे कि यह सोमवती अमावस्या है या फिर जो हर महीने में पड़ती है अमावस्या वह साधारण अमावस्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी अमावस्या उदया तिथि में हो और सोमवार का दिन पड़े, उस दिन की अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सवालों का जवाब आपको इस बार पड़ने वाली चैत्र अमावस्या के मुहूर्त और जो तिथि प्रारंभ हो रही है अमावस्या की, उसके बारे में जानने के बाद मिल जाएगा। दोस्तों, जान लेते हैं अमावस्या की तिथि और इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है चैत्र महीने में 11 अप्रैल रविवार की सुबह 6:05 से, और यह तिथि समाप्त हो रही है 12 अप्रैल 2021 को सोमवार की सुबह 8:02 पर। उदया तिथि के हिसाब से अगर बात करें तो रविवार के दिन ही यह अमावस्या पड़ रही है, इसलिए रविवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा, क्योंकि सोमवार के दिन केवल 8:02 तक ही अमावस्या की तिथि है। इसलिए जिन लोगों के मन में इस अमावस्या को लेकर प्रश्न है, उम्मीद करती हूँ कि उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, दरअसल सोमवार के दिन जो अमावस्या की तिथि है वो केवल सुबह 8:02 तक ही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या नहीं कहा जा सकता। आंशिक रूप से इसे सोमवती अमावस्या के नाम से आप मना सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सोमवती अमावस्या नहीं कहलाई जा सकती। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, अमावस्या की सुबह आप जल्दी उठकर तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आपके लिए संभव है तो पवित्र नदियों में जाकर स्नान करें, और अगर संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह आप स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा जरूर करें। आज के दिन विशेष रूप से आप पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आज के दिन आप सुबह के समय और शाम के समय, दोनों ही समय, पीपल के पेड़ की जड़ में एक सरसों के तेल का या फिर घी का दिया जरूर जलाएं। आज के दिन आप सुबह की पूजा के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या फिर अशोक के पत्तों का तोरण जरूर बांधें। इससे आपके घर को हर बुरी नज़र से बचाए रखने में मदद मिलेगी। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। इसके साथ ही अगर आज के दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का एक दिया जलाते हैं तो ऐसा करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के दिन आप किसी चौराहे पर जाकर अंधेरी जगह पर रात के समय एक दिया जलाकर रख दें। ऐसा करने से भी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है। भगवान भोलेनाथ की कथाएं भी आज के दिन सुनी जाती हैं। आपके लिए जो भी संभव हो वो काम आज के दिन आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सारा दिन आप अपने इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करते रहें, उनका ध्यान करते रहें। जितना हो सके उतना मौन रहकर इस व्रत को अगर आप करेंगे तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आप अपने पितरों के नाम से भी जल जरूर अर्पित करें, और जब भी आप आज के दिन दान देते हैं
खासकर आपको अमावस्या के दिन दान जरूर देना चाहिए। जब भी आप दान दें, अपने पितरों के नाम से भी कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। उनका ध्यान करते हुए आप दान कीजिए, आपके घर में जो भी पितृ दोष है उसमें भी आपको शांति मिलेगी। चैत्र अमावस्या वह तिथि है जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि भी होती है और साथ ही ये हिंदू वर्ष की अंतिम तिथि भी कहलाती है, क्योंकि इस तिथि के बाद हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन किया गया दान, तर्पण, श्राद्ध और पुण्य काम आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति करवा सकते हैं, क्योंकि अगर पितृ तृप्त होते हैं तब वे अपने परिजनों का, अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे में हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन धान्य की भी कोई कमी ऐसे घर में कभी नहीं रहती है। आज के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आज के दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरे विधि विधान से अपने इष्ट देवी देवताओं की भी पूजा करें, पूरी श्रद्धा के साथ अमावस्या का व्रत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। आज के दिन आप खीर जरूर बनाएं और साथ ही अपने पितरों के नाम से उन्हें भी तर्पण जरूर दें और अपने इष्ट देवी देवताओं को भी इस खीर का भोग जरूर लगाएं और स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण जरूर करें। आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।